बुलंदशहर में बेरहम टीचर ने कक्षा 2 के मासूम छात्र को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद पीड़ित छात्र के शरीर पर कई जगह पिटाई के निशान भी पाए गए हैं। आपको बता दें, इस घटना को लेकर परिजनों ने वीडियो गुलाबटी से की इस मामले की शिकायत, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में सही पाए गए। शिक्षक पर लगे आरोप वीडियो का दावा है। आरोपी शिक्षक ने कबूली है छात्र के पिटाई की बात। आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई के लिए वीडियो ने BSA को भेजी जांच रिपोर्ट। ये गुलाबटी ब्लॉक में गाँव चिड़ावक के प्राथमिक विद्यालय का मामला है। मुझे दूरभाष से बच्चे के पिता द्वारा सारी बातों का पता चला और मेरे कार्यालय में भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, शपथ पत्र लगा के दिया। मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, वहां जाके देखा तो बच्चे के साथ अभिभावक था और गांव वाले इकट्ठे हुए थे। तो देखा वहां पे, प्रथम दृष्टया मुझे बच्चे पे के ऊपर गंभीर चोटें पता चली और मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी सर को इस घटनास्थल के बारे में पत्र दे दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और किस तरीके के आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई हुई है? ये बेसिक शिक्षा अधिकारी सर के ऊपर है। मैंने सब चीज़ लिख के उनको लेटर में लिख के पिता का जो भी शिकायती पत्र है और गांव वालों की बातें हैं, बच्चे की चोट को देख के हैं, सारे जो है संलग्न पत्र लगा के सर को दे दिए हैं और सर के ऊपर है कार्रवाई। आरोपी अध्यापक के ऊपर लगे आरोप आपकी जाँच में किस तरीके के पाए गए? हाँ, चोटें गंभीर हैं। बाल संरक्षण अधिनियम और RTE 2009 के जो जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं उनके विपरीत इन्होंने काम किया है। प्रथम दृष्टया मुझे यही लगा और टीचर ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि मुझसे गलती हुई है।